हाय बंटी दी, वो मुझे ना 5,000 की जरूरत है। क्या ना, मुझे लहंगा बनाना है तो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ भाई, सब लोग फोन पे लगे रहो, काम करने की क्या जरूरत है। बंटी, आप जाइए और अकाउंटिंग वीकली रिपोर्ट लेके आइए। जी नमिता, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करती हूँ। हाँ तो रिया जी। जी सर। आप रेजिग्नेशन नहीं दे रही अपना? आप तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, रेजिग्नेशन दे दूंगी। हाँ, अभी समझ में आया ना कि बातें बनाना बड़ा आसान होता है। मैं कोई बात नहीं बना रही थी सर, आपको मेरा रेजिग्नेशन चाहिए ना, मैंने अपना रेजिग्नेशन टाइप करके रखा हूँ, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। पर ये रेजिग्नेशन मैं आपको नहीं दूंगी, ये रेजिग्नेशन मैं मैनेजमेंट को दूंगी और उन्हें ये बताऊंगी कि आप मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से इस जॉब से निकाल रहे हैं, जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये भी बताऊंगी कि शादी से पहले सर के लिए तो मैं स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन शादी के बाद ही उन्हें मेरी परफॉर्मेंस पर डाउट होने लगा। और क्यों डाउट हुआ? क्योंकि मैं आई थिंक 2 दिन 1 घंटा लेट थी। सर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ऑफिशियल आवर्स 8 घंटे, लेकिन जिन 2 दिन मैं लेट आई हूँ ना, आई थिंक मैंने 1 या 2 घंटा ओवरटाइम भी किया, जो कि आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया। तो बताइए ना सर, कब ये लेटर मैं मैनेजमेंट को दूँ? अरे रिया, तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब था कि तुम तो बड़ी एफिशिएंट एम्प्लॉई हो। रियली? हाँ, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉईज की तो हमें जरूरत रहती है। अरे तुम तो ऑफिस को बस अपना घर समझो। मैं तो कहना चाह रहा था कि ये रेजिग्नेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर यू श्योर सर? हाँ हाँ, तुम क्या समझ रही थी? थैंक यू सर। हेलो बंटी दी, मुझे ना 5,000 की जरूरत है अर्जेंटली, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। कट कर दिया। नहीं बंटी दी, पैसों के मामले में बुरा तो नहीं मान गई? SMS करती हूँ। तेरा फोन मैसेज आया शायद। किसका मैसेज है? अरे ये कुछ नहीं, ऐसे। तू ये बता, खड़ूस क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। नमिता बंटी से पैसे उधार मांग रही है, बंटी जरूर कुछ छुपा रही है। मैडम कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? क्या कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही हो फोन। फोन साइलेंट पे था इसलिए। क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। देखो रिया, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ। रिया प्लीज, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, प्लीज। वो बात ये है शिवम कि नहीं, कोई भी बात नहीं। रिया प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं मुझे नहीं बताना, वो मैं तुमसे बात शेयर करूंगी फिर तुम बात को गलत समझोगे और मुझे ही डांटोगे। okay. मुझे कुछ चैन नहीं। ठीक है, सुनो सुनो, आई प्रॉमिस यू
मैं उसे गलत सेंस में नहीं लूंगा, बताओ। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ना तुमसे कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शेयर कर रही हूँ तुमसे। नमिता है ना, नमिता ने बंटी से 5,000 रुपए मांगे। नमिता ने बंटी से 5,000 रुपए मांगे? हाँ। लेकिन क्यों? पता नहीं, बंटी का फोन गलती से मेरे पास रह गया, तो उस पर मैंने मैसेज देखा नमिता का, और उसने लिखा था कि उसे 5,000 रुपए चाहिए। मैंने बंटी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बंटी ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, मुझे कुछ बताया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे वो लहंगे के पैसे मांग रही थी? नहीं शिवम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बंटी ने नमिता को मेरे सामने लहंगे के पैसे दिए, और अगर लहंगे की बात है तो मुझसे क्यों छुपाएंगे, वो तो नॉर्मल बात है। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि नमिता ने बंटी से उधार पैसे मांगे? देखो सही सही तो मैं अभी नहीं कह सकती कि क्यों पैसे मांगे, पर मैसेज देख के तो वैसे ही लगा। और बात पैसे उधार मांगने की नहीं, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम्हारे और मेरे होते हुए नमिता ने बंटी से पैसे क्यों मांगे। अरे हम उसकी फैमिली, उसे अगर ऐसे पैसे की जरूरत थी तो वो हमसे मांगती ना, मेरी दोस्त से मांगने की क्या जरूरत थी, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। तुम फिक्र मत करो, मैं घर चल के उससे बात करूंगा। शिवम नहीं, प्लीज 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 तुम नमिता से बिल्कुल बात मत करना, नहीं तो उसको लगेगा कि मैंने उसकी कंप्लेंट की और फिर वो मुझे गलत समझेगी और बात खराब हो जाएगी। प्लीज तुम मत करना, मैं उसे खुद बात करूंगी। नहीं, 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 तुम उसे बिल्कुल बात नहीं करोगी। अमीन, अगर तुम उसे समझाने जाओगी तो वो तुम्हारी बात दिल पे ले लेगी और फिर नाराज हो जाएगी, तुम दोनों का झगड़ा होगा और मैं तुम दोनों को झगड़ते नहीं देख सकता। ऑलराइट, ध्यान से हैंडल करना, मुझे अब घर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, थक गई हूं। आई प्रॉमिस। चलेगा? चलो। शिवम प्लीज बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करो, एक बार उससे पूछ लेना कि मैटर क्या है। प्रॉमिस किया ना मैंने तुम्हें। हाँ। चिंता मत करो फिर। तुम्हें जानती हूँ ना, इसलिए चिंता हो रही है। मतलब? तुम्हारा गुस्सा, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना तुम किसी की भी नहीं सुनते हो। अब चलें।